हाँ, जय मसीह की पास्टर साहब, मैं सुरभि बोल रही हूँ। अच्छा, जय मसीह की बेटा, जय मसीह की, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हाँ, मैं भी ठीक हूँ। बोलो बेटा, क्यों फोन किए थे? हाँ, आपको याद होगा पास्टर साहब कि मैं चर्च में आई हुई थी आपके पास। अच्छा, हाँ याद है ना, याद है ना। तो मेरे लिए प्रेयर कीजिएगा, क्योंकि पता नहीं मेरे साथ क्या होता है। मैं घर में रहती हूँ और सोए रहती हूँ, और अचानक से किसी और के घर में फिर पहुँच जाती हूँ। अच्छा, नींद में चलने की बीमारी है या फिर ये क्या है, मुझे तो पता नहीं है। तो आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा। ठीक है बेटा, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, और हमारी एक सिस्टर है वो भी प्रार्थना करेगी। तो मैं जल्द से जल्द उसका आपका नंबर जो है उनको दे देता हूँ, और प्रार्थना करने के लिए बोलता हूँ। तुम चिंता मत करो, प्रभु यीशु मसीह सब ठीक करेगा। ठीक है जी, ठीक है, धन्यवाद पास्टर साहब। जय मसीह की। आमीन। अच्छा, पास्टर साहब का फोन है। हेलो हेलो। हाँ सिस्टर, जय मसीह की, कैसे हैं आप? जय मसीह की, ठीक हूँ, ठीक हूँ पास्टर साहब। अच्छा, मैं इसीलिए फोन किया था आपको कि हाँ, एक बहन है जी, उसके लिए प्रार्थना करना था। जी जी जी, है ना, उसका नाम सुरभि है जी। और वो मुझे आई थी यहाँ चर्च में, और मुझे बोली थी प्रार्थना करने के लिए। हाँ जी। तो मुझे आपका याद आया, और वो ये बता रही थी कि उस जब भी वो सोती है और उठती है तो दूसरी जगह रहती है, मतलब अपने घर में रहती है लेकिन आँख खुलते हैं तो दूसरी जगह मिलती है। मेरे ख्याल से कोई दुष्ट आत्मा का हाँ, प्रॉब्लम है जी, है ना, वो भ्रम में, भ्रम हाँ, का कोई बीमारी है शायद उसको। हाँ, ठीक है, तो आप उसके लिए प्रार्थना करें जी। ठीक है, सुरभि नाम है, याद रखें। ठीक है, ठीक ठीक है पास्टर साहब, प्रार्थना करें। जय मसीह। चलो उस बेटे के लिए प्रार्थना करती हूँ, सुरभि के लिए। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, उस बेटी को आपके हाथ में सौंपते हैं जो पास्टर साहब ने फ़ोन करके बोला है सुरभि के लिए प्रार्थना करने के लिए। पिता, उसके अंदर कोई भी शैतानी शक्ति हो या कोई दुष्ट आत्मा की हरकतें हो पिता, प्रभु यीशु के नाम से सब निकलने पाए पिता, और उस बेटी को चंगाई दे पिता, और उस बेटी के संग और साथ रहना पिता, और उस बेटी के चारों तरफ आपका स्वर्गदूत की बाड़ा रहे पिता, बेटी का रक्षा करना पिता परमेश्वर। सारे बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं पिता, और विनती उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुनो और ग्रहण करें, आमीन। दोस्तों, ये है सुरभि का घर, और एक बात बता दूं कि सुरभि अनाथ है, और वो खुद काम करती है, खुद खाती है, उसके माता पिता कोई भी नहीं है, वो अकेला रहती है, और वो प्रभु का गाना सुन रही है और चाय पी रही है और बहुत खुश है, लेकिन वो नहीं जानती है कि उसके साथ आगे चल के क्या होने वाला है। इस वक्त अब उसके साथ कुछ घटना घटने वाला है, और उस घटना से वो अनजान है। तो चलिए आगे देखते हैं। Thank you.
करेगी? हाँ, तुझे पास्टर ने मेरा नंबर दिया था ना? मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, मैं इस लड़के के शरीर से बाहर नहीं जाऊंगी। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती और तेरा पास्टर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुझे नहीं छोड़ूंगी, मार दूंगी। तुझे नहीं छोड़ूंगी, मार दूंगी। मेरे लिए करेगी प्रार्थना तू? हे शैतान, निकल जा इसी वक्त इस लड़की के अंदर से, इसी वक्त यहाँ से चली जा, परमेश्वर तुझे नाश करेगा। फिर सुरभि आंटी को हॉस्पिटल ले जाती है और इलाज कराकर उसे घर में सुरक्षित लाती है और आंटी के साथ घर में बात करती है। आंटी, अभी आपका तबीयत कैसा है? ठीक हूँ बेटा, ठीक। अरे आंटी, मैं तो अपने घर में थी और मैं आपके घर कैसे पहुँच गई, मुझे ये समझ में नहीं आया। और देखिए, मैं आप घायल पड़े थे, वो तो अच्छा हुआ कि मैं समय पर आपको हॉस्पिटल लेकर के गई। वो तो डॉक्टर ने कहा कि अच्छा हुआ आप इन्हें समय पर ले आए, तभी इनकी जान बच पाई है। अरे बेटा, मैं बताती हूँ। नहीं नहीं आंटी, मत उठिए, आप घाव अभी भरा नहीं है। ठीक है बेटा। अरे बेटा, प्रभु ने तेरे को भी बचाया और तेरे द्वारा मेरे को भी बचाया है ना। तेरे अंदर दुष्ट आत्मा थी और तूने 200 महिलाओं का खून किया बेटा, जो पुलिस तुझे ढूंढ रही है लेकिन अभी तक पकड़ नहीं पाया, क्योंकि दुष्ट आत्मा को पुलिस अभी तक नहीं पकड़ा। क्या बोल रहे हो आंटी आप? सही बोल रही हूँ बेटा, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। मैं घर में सोई रहती थी और फिर कहीं किसी और के घर पहुंच जाती थी, मुझे पता ही नहीं चलता था। हाँ बेटा, तू जब मेरे को हॉस्पिटल ले गई है ना, तो मैं हॉस्पिटल में थी और प्रभु ने मेरे को दर्शन में दिखाया कि तेरे अंदर दुष्ट आत्मा था और तुझे बचाया और तेरे द्वारा मेरे को वहाँ ले गया है ना। आज प्रभु तुझे बचाया है बेटा। ठीक है आंटी जी, मैं प्रभु यीशु को ग्रहण करना चाहती हूँ। हाँ, अपने पापों की क्षमा हाँ, के लिए मैं उसे स्वीकार करना चाहती हूँ। हाँ बेटा, हाँ बेटा, तू तो अनाथ है, मेरे ही साथ रहना, तू कहाँ जाएगी है ना। ठीक है। तो दोस्तों, आपको कैसे लगा हमारा वीडियो? आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, आप हमारे वीडियो में कमेंट भी करें कि कैसा लगा है ना। और ये वीडियो जो है एक सत्य घटना पर आधारित है, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं किसी के लिए तो सबसे पहले हमें अपने लिए प्रार्थना करना चाहिए। अगर हम अपने लिए प्रार्थना नहीं करें तो फिर हमारी रक्षा कम होता है और बहुत सारी समस्या भी होती है। तो अगर आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो सबसे पहले अपने लिए प्रार्थना करें कि मेरा प्रोटेक्शन करना। और ज़्यादातर दुष्ट आत्मा और हर प्रकार की परिस्थिति जो में फंसे रहते हैं, परेशानी में जो फंसे रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए जब आप प्रार्थना करते हैं तो सबसे पहले अपने लिए भी प्रार्थना करें। और दोस्तों, इसी प्रकार से नए नए वीडियो को और नए नए गॉस्पल वीडियो को बनाने के लिए हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप हर महीने का अपना डोनेशन
से आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। हमारा डिस्क्रिप्शन में अकाउंट नंबर है, आप उसमें सेंड कर सकते हैं। हमारे फ़ोन पे मोबाइल नंबर पे भी आप सेंड कर सकते हैं। इस प्रकार से आप हमारी मदद कर सकते हैं सुसमाचार सुनाने के लिए। और इसका मतलब आप, हम जो सुना रहे हैं, सुसमाचार बता रहे हैं, इसमें आप भी साझी हो रहे हैं, यानी कि आप भी हमारे संगे मित्र हुए, यानी कि जो हम कर रहे हैं वो नाम आपका भी आएगा। इस प्रकार से आप हमारा मदद करें, हमें सपोर्ट करें, हमारे लिए प्रार्थना करें और हमारे कार्यों को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग परमेश्वर के वचनों को सीख सकें, समझ सकें। तो दोस्तों, हमारा फिर से मुलाकात होगा, तब तक के लिए हम आपसे अलविदा चाहते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।